अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जो गाड़ी दिख रहा हो आप, इसके जो ड्राम है उसके नीचे से ऑयल टपक रहा था, तो हमने इसको खोला कि ऑयल सील चेंज करना है इसके वजह से, लेकिन इसको खोलते ही देखा कि इसका बेयरिंग जो है वो भी टूट चुका है, तो इसका बेयरिंग को भी चेंज करेंगे। और इसका देखिए ऑयल सील भी ख़राब हो चुका है, तो इसका जो ऑयल सील है इसको भी निकाल के चेंज कर देंगे। तो देखिए ऑयल सील एकदम ख़राब हो चुका है इसका, तो पहले हम ऑयल सील को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका ऑयल सील को चेंज करेंगे और इसका बेयरिंग जो है उसको भी चेंज कर देंगे। तो बेयरिंग चेंज करने का वीडियो बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें सिर्फ जो ऑयल सील है उसको फिटिंग करना, किस तरह से फिटिंग करते हैं वही दिखाएंगे। ये फिक्स डिफरेंशियल है, तो दूसरा वाला जो डिफरेंस रहता है उसका ऑयल सील किस तरह से चेंज करना है वो तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, और जो मोटर का ऑयल सील, हाइड्रोलिक ऑयल सील, ये सब किस तरह से चेंज करना है वो भी मैं दिखा चुका हूँ। तो देखिए आज इसको किस तरह से चेंज करते हैं वही दिखाएंगे। तो ऑयल सील चेंज करने के लिए हमको कुछ बात ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए ये जो ऑयल सील है ये 2550-8 नंबर का है, 2550-8, तो इसको हम लगाएंगे। तो ऑयल सील लगाने से पहले देखिए ये वाला एक ग्लू आता है जो रिजबन नाम का है, तो अगर ये लगा लोगे तो आप किसी से भी धकेलने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इसको लगा के आप उंगली से इसको दबाओगे तो ये आराम से अपनी जगह बैठ जाएगा। तो आप जब ऑयल सील चेंज करोगे तो ऐसा जो रिजबन डाटा आता है उसको अगर लगा लोगे तो ये आराम से फिटिंग आ जाएगा। देखिए इसको लगा के उंगली से दबाने से ही वो आराम से घुस गया, क्योंकि वो जो डिफेंस है वहाँ पे चिकना बन जाता है, और जब उंगली से दबाता हूँ तो आराम से घुस जाता है ये। आप अगर कभी सॉकर में जो ऑयल सील है उसको चेंज करोगे तो इसी तरह से चेंज करोगे, तो देखना कि किसी से भी आपको मारना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उंगली से दबाने से ही वो घुस जाएगा, अगर ऐसा जो सोल्यूशन है उसको आप अगर लगा दोगे तो। तो चलिए आप एक्सेल को भी लगा देते हैं। और ये सोल्यूशन देने का और एक फ़ायदा है, यहाँ के साइड में से जो ऑयल सील है उसके साइड में से कभी भी लीक नहीं होगा, और ये जो ऑयल सील है ये अपने आप कभी भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो ये सोल्यूशन है वो एक आटा की तरह काम करेगा, वो जाके चारी ओर में जम जाएगा, फिर वो निकल के नहीं आएगा बाहर, और आजू बाजू में से ऑयल भी आने नहीं देगा। तो चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं हम, तो इसका जो प्लेट है उसको लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैल है, उसको पोंछ लेना पड़ेगा पहले, इसको अच्छी तरह से पोंछने के बाद ही लगाएंगे ताकि काम थोड़ा साफ सुथरा हो। तो चलिए जब अब इसका जो नट है उसको लगा लेते हैं। इसका जो बेयरिंग है उसको चेंज करना नहीं दिखाया, क्योंकि इससे पहले बेयरिंग चेंज करने का, एक्सेल बदलने का वीडियो मैं बहुत सारा दे चुका हूँ, तो आप जाके वो वाला देख सकते हो। इसमें मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फिक्स डिफ्लेक्शन में जो ऑयल सील लगता है वो किस तरह से चेंज करना है, यही दिखाने के लिए ये वीडियो सिर्फ बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग को पता नहीं होता है तो ऑयल सील डालने में वो लोग को थोड़ा टेंशन आ जाता है। तो आप इसका जो ब्रेक्स है उसको भी लगा देते हैं। मैं हर टाइम ब्रेक्स लगाने से पहले थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ उसमें, ताकि जो ब्रेक्स है वो स्मूथली काम करे। ये सब छोटा छोटा चीज़ को आपको देख के काम करना है, तभी आपका जो काम है वो परफेक्ट होगा। तो चलिए इसका जो काजू पत्ती है उसको भी लगा दिया, अब इसका लॉक को भी लगा देना है। तो इस तरह से आपको फिटिंग करना है इसको। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं रिक्शा मोटर सेंसर टेस्टर एक मशीन बनाया, तो अगर वो आप लोगों को चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो भेज सकता हूँ कुरियर में, उसके लिए आप लोगों को मुझसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जो मशीन आपको वीडियो के कोने में दिख रहा है वही वाला मशीन है। तो वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर ये वाला डिवाइस आपको चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉच।